हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मधुस किचन। आज मैं आप सबके साथ ढाबा स्टाइल अंडा कड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। रेस्टोरेंट या ढाबा का खाना किसे नहीं पसंद है, तो आज मैं आप सबके साथ एकदम ढाबा स्टाइल अंडा कड़ी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमें अंडों को फ्राई करना है, तो मैंने यहाँ पे 6 अंडों को पहले से ही बॉईल करके ले लिया था। अब हम इन्हें लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। अंडों को हमें तब तक भुनना है जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, या 5 से 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इन्हें लगातार चलाते हुए भुनें। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे अंडों का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। अंडों को निकालने के बाद अब इसी तेल में हम 2 तेज़पत्ते को ऐड कर देंगे। तेज़पत्ता को ऐड करने के बाद हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे और लगातार चलाते हुए प्याज को हमें भुनना है। गैस की आँच को लो मीडियम रखिएगा और लो मीडियम फ्लेम पे ही प्याज को हमें लगातार चलाते हुए भुनना है। प्याज को हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसमें 1/2 छोटे चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से क्या होता है, प्याज जो है वो जल्दी गल जाएगी। तो अब लगातार चलाते हुए प्याज को हम थोड़ी देर तक और भून लेंगे ताकि इसका जो कलर है गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो लगातार चलाते रहिएगा और गैस की आंच को लो मीडियम ही रखिए। अब हम इसमें 1 ग्रेटेड अनियन ऐड करेंगे। 1 प्याज को मैंने कद्दूकस करके रख लिया था। इससे क्या होगा, ग्रेवी जो है थिक बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो 1 प्याज हम ऐसे ग्रेट करके इसमें ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें अब 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे भुनना है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चला के हमें भून लेना है। इसे हमें तब तक भुनना है जब तक अदरक और लहसुन का जो कच्चा स्वाद है वो ना चला जाए, या 5 से 10 मिनट तक एकदम धीमी आँच पर भुनिएगा। अब हम इसमें 1 टमाटर ऐड कर देंगे और इसे भी लगातार चलाते हुए हमें भुनना है जब तक कि टमाटर गल ना जाए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भुनिएगा। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब मैं पैन को कवर कर दूंगी ताकि जो टमाटर है अच्छी तरह से गल जाए, और इधर मैं मसाले तैयार कर लूंगी। तो 1 कटोरी लेंगे और उसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। सारे मसालों की क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो सारे मसालों को कटोरी में ऐड करने के बाद हम उसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें थोड़ा सा ही लेना है और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिलाना है। इस तरह से मसाले यूज़ करने से क्या होता है, ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी बनती है और अंडा करी जो है एकदम ढाबा स्टाइल लगेगा और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं। तो देखिए, थोड़ी देर बाद हम पैन की कवर को खोलेंगे और एक बार सारी चीज़ों को चला लेंगे। तो देखिए, सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से गल गई है। प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल गई है। तो अब मैं इसमें जो मसाला तैयार करके रखे थे उसे ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और लगातार चलाते हुए सारे मसालों को प्याज टमाटर के साथ हमें भुनना है। आप मसालों को जितनी अच्छी तरह से भुनेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो देखिए, मैंने मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें पानी को ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी का यूज़ किया है। आप अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो और भी ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम एक बार चला के अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, अब हम ग्रेवी में अंडों को एक एक करके ऐड कर देंगे। तो सारे अंडों को एक एक करके ऐड कर दीजिए और अंडों को ऐड करने के बाद इन्हें अब हम ग्रेवी के साथ चला के अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ गई है। अब मैं इसमें 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और इसे भी अच्छी तरह से चला के ग्रेवी के साथ हम मिला लेंगे। तो देखिए, हमारी अंडा कड़ी तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसे सर्व कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ढाबा स्टाइल अंडा कड़ी तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता गार्निश कर दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा हमारे अंडा कड़ी में। ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ऐड कीजिएगा, ना चाहे तो ऐड नहीं भी कर सकते हैं।
तो अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ।